तो अगर हम लेजर जेट प्रिंटर से इस टाइप से प्रिंट करते हैं और हमारा प्रिंट इस टाइप से गंदा आता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में काफी यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, गंदा हो रहा है प्रिंट हमारा, तो ये मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे प्रिंटर की कार्टेज की ही होती हैं। तो लेकिन हम कार्टेज में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ड्रम है हमारा, मैग्नेटिक रोलर है, पीसीआर रोलर है, क्लीनिंग ब्लेड है, डॉक्टर ब्लेड है, तो इनमें से किस कंपोनेंट की वजह से ऐसा प्रिंट आ रहा है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हम कैसे पता करें। तो उसके लिए सीधा सा है, आप कोई भी प्रिंट लीजिए, यहाँ पर मैं डेमो पेज यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। तो प्रिंट करने के बाद जैसे ही पेपर आपका प्रिंटर के अंदर जाता है, प्रिंटर जैसे ही उठा लेता है, और उसके बाद से आपको पीछे से वहाँ पे स्विच ऑफ कर देना, और उसके स्विच ऑफ करने के बाद आपको प्रिंटर की कार्टेज वहाँ पर निकाल लेनी। तो निकालने के बाद कार्टेज के जो ड्रम के ऊपर का जो फ्लैप होता है वो हटा करके यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसमें आधी इंक जो है वो हमारे ड्रम पे लगी हुई है और आधी जो है वो पेपर पे डेवलप होने के लिए चली। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं क्लीनिंग ब्लेड की, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो वो कैसे पता लगेगा, वो इसे पता लगेगा अगर ड्रम हमारा पूरी तरह से साफ हो जा रहा है तो इसका मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो हम इसके बैक साइड में जाकर के लाइट लगा करके देखेंगे, इंक लगने से पहले जहाँ पर ड्रम की स्टेट होती है वो देखेंगे। तो अगर वो प्रॉपरली क्लीन होती है तो इसका मतलब वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, अगर नहीं होती तो हमें उसको वहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। तो अभी यहाँ पर देखिए पूरा एकदम ओके है, लाइट लगा के मैंने देखा हुआ है, कोई भी यहाँ पे किसी टाइप की यहाँ पर टोनर गंदापन यहाँ पे नहीं रह रहा है, तो ओके। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पर हम चेक करेंगे अपना जो टोनर का सेक्शन होता है उसको। तो उसके लिए फ्रेंड इसके साइड में जो यहाँ पर एक फ्लैप होता है कि मैंने यहाँ पे स्क्रू निकाले हुए हैं, और निकालने के बाद ड्रम को अपने यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ड्रम निकालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक रोलर है वो प्रॉपरली इंक डेवलप यहाँ पे कर रहा है। मतलब क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा वहाँ पर टोनर जमा होता है इसका मतलब है वो इंक को डेवलप सही से नहीं कर रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा होता है, तो वो इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम होती है। जो मैग्नेटिक रोलर है ओके है, और अगर हमारा जो क्लीनिंग ब्लेड होता है अगर वो भी इसको प्रॉपरली डेवलप नहीं करता तो कहीं पर हमें बहुत ज्यादा पेपर पे इंक देखने को मिल जाती है, कहीं पे कम मिल, तो दोनों चीजें यहाँ पर प्रॉपरली वर्क यहाँ पे कर रही है। ड्रम की प्रॉब्लम कहीं पे बीच बीच में छोड़ता है साइड में इधर से, और एक फ्रीक्वेंसी होती है उतने देर के बाद वो अपनी इंक वहाँ पे छोड़ देता है। अब फ्रेंड्स पीसीआर रोलर की यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे को लग रही है, तो इसको मैं यहाँ पर निकाल करके चेंज करके देखता हूँ। तो उसके बाद से मुझे प्रिंट बिल्कुल फाइन यहाँ पर मिल रहा है। तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं कि किस कंपोनेंट की वजह से मेरा कोई यहाँ पर जो है साफ मेरा नहीं आ रहा है, और आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हैं। आपको हर कंपोनेंट यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस हेल्पफुल वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर।